बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मसूर की दाल बनाना सिखाऊंगी और यकीनन जब आप इसे बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगी मसूर की दाल 250 ग्राम या एक कप भर कर ले लीजिएगा, और एक अदद प्याज बारीक काट लीजिएगा, और एक अदद टमाटर इसे भी बारीक काट लीजिएगा, और 4 से 5 जवे लहसुन के जिन्हें इस तरह से रफली काट लीजिएगा, और 4 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, नमक हसबे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, और 1 अदद चिकन क्यूब। और अगर आप चिकन क्यूब का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। और इसके तड़के के लिए हमें चाहिए होगा देसी घी 1/2 कप। देसी घी के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या देसी घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साबुत सफेद जीरा 1 टीस्पून, फ्रेश अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 टेबलस्पून, और साबुत लाल मिर्चें 5 अदद, और इसके अलावा बारीक कटा हुआ हरा धनिया हसबे जरूरत चाहिए होगा। सबसे पहले आप 5 कप पानी उबलने के लिए रख दीजिएगा, और मैं इसे प्रेशर कुकर में बनाऊंगी क्योंकि प्रेशर कुकर में दाल अच्छी सी मिक्स हो जाती है और गल जाती है, लेकिन अगर आप खुले मुंह के बर्तन में बनाना चाहें तो आप उसमें बना लीजिएगा। और साथ ही आप दाल को अच्छी तरह से धो लीजिएगा, वॉश कर लीजिएगा। और जैसे ही पानी में बॉयल आ जाए तो आप इसमें दाल डाल दें। और साथ ही आप इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्ची डाल दें। और नमक, सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और चिकन क्यूब डालकर अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद कुकर को बंद कर दें, और जैसे ही विसल बजेगा इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए कुक करूंगी, और फिर चूल्हा बंद करके जैसे ही इसका प्रेशर कम होगा तो मैं प्रेशर कुकर को खोल लूंगी। और जब इस तरह से विसल की आवाज आने लगे तो 10 से 15 मिनट के लिए इसे प्रेशर दे दें। 10 से 15 मिनट प्रेशर देने के बाद अब इसे मैं खोल लूंगी और इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए, और आप देख सकते हैं कि दाल बहुत अच्छी सी गल गई है और बहुत अच्छी सी मिक्स हो गई है। और अगर आप दाल को थोड़ा पतला रखना चाहते हैं तो आप इसमें 5 कप पानी के बजाय 6 से 7 कप पानी डाल दीजिएगा। और अब मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर दूंगी। अच्छी तरह से मिला लीजिए। और साथ ही आप इसका तड़का तैयार कर लीजिए, और इसके तड़के के लिए आप देसी घी गर्म कर लें। और इसमें आप डाल दें साबुत जीरा और लाल मिर्चें और थोड़ा सा कड़कड़ा लें। और जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आप इसमें पिसा हुआ अदरक लहसुन डालकर थोड़ा सा भून लें। और जैसे ही अदरक लहसुन हल्के से ब्राउन होने लगे तो आप ये तड़का दाल में डाल दें। इसे अच्छी तरह से कर लीजिए मिक्स, और अब इसे मैं सर्विंग डिश में निकाल लूंगी। ऊपर आप चाहें तो कटा हुआ हरा धनिया डाल दें।
लीजिए, बहुत मजेदार मसूर की दाल तैयार है, जरूर बनाइएगा। और जाने से पहले एक हदीसे पाक शेयर करना चाहूंगी। हदीसे पाक इस तरह से है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक दिन फरमाया, लोगो तुम ये आयत पढ़ते हो, ए ईमान वालो तुम अपनी जानों को लाजिम पकड़ो, जब तुम हदायत पर हो तो गुमराह लोग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। और मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि लोग जब जालिम को यानी जुल्म करते हुए देखें और इसके हाथों को ना पकड़ें यानी जुल्म से ना रोकें, तो करीब है कि अल्लाह ताला इन सबको अपने अजाब की लपेट में ले ले। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस हदीसे मुबारका में कुरान मजीद की सूरह मायदा की आयत नंबर 105 की तलावत फरमाई और बताया कि तुम लोग इस आयत का मफहूम ये समझते हो कि जब इंसान खुद राह रास्त पर हो तो उसके लिए अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीजा अदा करना जरूरी नहीं है, क्योंकि दूसरों की गुमराही और मासियत से इसे कोई अंदेशा नहीं। यूं उम्मत मुसलमान की जमीन में शरीयत इलाहिया के नफाज की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ अपनी जात की इसलाह की जिम्मेदार है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मजकूरा हदीस बयान करके इस मफहूम की तरदीद फरमाई है, जिससे ये वाजिया हुआ कि हत्तुल इम्कान बुराई को रोकना उम्मत की जिम्मेदारी और हर फर्द का मनसब है, हत्ता के कुदरत रखते हुए हाथ या जुबान से ना रोकना अल्लाह ताला के अजाब को दावत देना है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस आयत का असल मफहूम वाजिया फरमाया है कि ए ईमान वालो अपने आप को संभाल कर रखो, कहीं लोगों की गुमराही का तुम पर भी असर ना हो जाए और तुम हदायत के बाद दोबारा गुमराह ना हो जाओ। और ये इसी तरह हो सकता है कि गुमराह लोगों को मुसलसल अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते रहो, वरना तुम खुद इनसे मुतासिर हो जाओगे। आज भी अक्सर लोगों के जहन में ये शुबा है कि अपनी इसलाह कर ली जाए तो काफी है, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर जरूरी नहीं है। अगर एक मुसलमान ये फरीजा तर्क कर देगा तो इसका तारक हदायत पर कायम रहने वाला कब होगा? अगर आज हम इसकी जरूरत महसूस नहीं करेंगे तो अलहाद लादीनी और बेहयाई का तूफान पूरी उम्मत को तबाह कर देगा। बनी इसराइल की तारीख गवाह है कि कोई कौम हलाकत से महफूज नहीं रह सकती ता वक्तिया के वो खुद भी अमल करे और अपने भाइयों की इसलाह के लिए भी कोशिश करे। कुरान मजीद और अहादीसे मुबारका में जा बजा अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के अहम फरीजे की ताकीद और तलकीन की गई है। इरशादे बारी ताला है कि तुम में से एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाए और नेक कामों का हुक्म दे और बुरे कामों से रोके, और यही लोग फलाह व नजात पाने वाले हैं। यानी निजात और फलाह का दारोमदार ही इस बुनियाद पर है कि नेकी की दावत देना और बुराई से रोकना। आज के दौर में अमर बिल मारूफ का काम तेज मवासलात की वजह से और ज्यादा आसान और बर्क रफ्तार हो गया है। ये काम अखबारात, रसाइल और इंटरनेट के जरिए से ज्यादा लोगों तक कम से कम वक्त में पहुंचाया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने फर्ज को महसूस करें जिसके लिए इस उम्मत की तखलीक की गई है। अल्लाह ताला हम सबको अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के फर्ज को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।